अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन कचौरी बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा भी घी, डाल्डा घी ले सकते हैं, मार्जरीन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले मैं ये सॉल्ट डाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। और फिर अब ये 2 टेबल स्पून जो घी लिया है वो ऐड कर रही हूँ। इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने गूंदना है। इसकी डो हमने जो तैयार करनी है वो सख्त होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैदा जब थोड़ा सा टाइम लेता है तो खुद ही नरम हो जाता है। ये आटे पे डिपेंड करता है कि कितना पानी जा रहा है। कुछ आटे जो है, कुछ मैदा जो है वो ज़्यादा पानी लेता है और कुछ मैदा कम पानी लेता है। आपने अपने हिसाब से इसको देख के पानी डालना है, लेकिन डो आपकी जो है ना वो सख्त होनी चाहिए। फिर आप इस तरह इसको गूंद लें। जितना अच्छा गूंदा जाएगा इसकी कचौरी उतनी ही अच्छी बनेगी, क्रिस्पी और खस्ता। आटा जब इस शेप में आ जाए तो आप इसको छोड़ दें। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दें ताकि ये खुशक ना हो। आप इसको फिर डाल दें। कचौरियों की स्टफिंग के लिए मैं अब चिकन को मैरिनेट करूंगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली ली है और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स ली है, वो डालूंगी। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर पिसा हुआ जीरा जाएगा, 1/2 टेबल स्पून ही इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा, 1 teaspoon मैंने अजीनोमोटो लिया है, चाइनीज सॉल्ट जिसे कहते हैं, और 1 पिंच मैंने इसके अंदर सिट्रिक एसिड लिया है, टार्टरी जिसे बोलते हैं, वो इसके अंदर ऐड करूंगी। 1/2 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है और 1/2 टेबल स्पून से कम मैंने ब्लैक पेपर लिया है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। मसाले लगाने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये मैरिनेट हो जाए और फिर इसके बाद मैं इसको बॉईल कर लूंगी। दस मिनट हो गए हैं इसको। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी डाल के इसको बॉईल करूंगी। पानी खुशक होने पे मैंने चिकन को निकाल के श्रेड कर लिया। अब इसके अंदर मैं
थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। मीडियम साइज के 3 ओनियन लेके मैंने इनको चॉप कर लिए। ये ओनियंस मैं इसके अंदर डाल के भूनूंगी थोड़ा सा। आंच को आहिस्ता करने के बाद मैं इसके ऊपर लिड दे दूंगी तकरीबन 3 मिनट के लिए। प्याज नरम हो गए, इसके अंदर अब मैं चिकन जो मैंने शर्ड किए वो सारा चिकन इसके अंदर डालूंगी। नमक मिर्च आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 4 हरी मिर्चें लेके उसके अंदर हरा धनिया डाल के चॉप कर लिया, ये भी मैं इसके अंदर डालूंगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हरा धनिया ऐसे। इसको अच्छी तरह भूनना ताकि इसके अंदर जो पानी है वो सारा खत्म हो जाए। जब आप कचौरी बनाए तो कचौरी आपकी बिल्कुल परफेक्ट बने। तेज आंच करके इसको हम भून लेंगे ताकि जल्दी जल्दी पानी खुशक हो जाए। चिकन कचौरी की स्टफिंग ये तैयार हो गई है। अब मैं आंच बंद कर दूंगी। कचौरी के पेड़े के अंदर लेई लगाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं मैदे के, 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिए और इसको अब मैं घी डाल के जिसको मैंने मेल्ट कर लिया हुआ है वो मैं इसके अंदर डाल के इसकी लेई बना लूंगी, इसके ग्लू बना लूंगी इसको। फोर टेबल स्पून मैंने घी लिया था जिसको मैंने मेल्ट कर लिया। ये परफेक्ट हमारी लेई बन गई है। जब हम मैदे को रोल करेंगे तो ये उसके अंदर ग्लू जाएगा स्टेप बाय स्टेप। कचौरी को बेलने के लिए अब मैं इसको बोल से निकाल लूंगी। इसको हमने बिल्कुल लंबा बेलना है इस तरह।
आपकी लई अगर थिक हो जाए तो उसको आप पानी नहीं डालना, घी डाल के तो आपने इसको नरम करना है। इस तरह आपने इधर ये लगा ली लई, ग्लू लगाने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा इस तरह छिड़कना है। इसके बाद आपने इसको रोल करना है। इसी तरह आप इसको रोल करते जाएं और ग्लू लगाने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रेड करते जाएं इस तरह। इसका एक और भी तरीका है, आप इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएं, उसको आप फिर जिस तरह पराठा बनाते हैं उस तरह बेल लें, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्क होते हैं, इसलिए ये इजी वे है, आप इस तरह करें। अब आपने इसको इस तरह लंबा कर लेना। अब आपने तकरीबन 4 इंच के साइज में काट लेना इसको। इसको इस तरह करने आपने और बेलने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट ऐसे दबा के आपने ऐसे करने और फिर आपने इसको ऐसे पेड़े की शक्ल दे लेनी है। ये देखें पेड़ा हमारा रेडी हो गया। पेड़ा हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह मैं ये सारे पेड़े बना लूंगी। ये देखें ये जिस तरह ये लेयर्स आपको नजर आ रही हैं, इसी तरह इसकी इतनी लेयर्स बनेगी। सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं, अब इसको मैं डाल दूंगी, एक एक करके इसको मैं लेके स्टफिंग करूंगी। आपने फौरन पेड़े जो हैं उनको यूज नहीं करना, इनको आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि ये ठहर जाएं। पेड़े को लेके आपने इस तरह इसको हल्का सा बेलना है, बहुत ज्यादा आपने इसको पतला नहीं करना। बस इस तरह रखने आपने।
इस तरह आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, मोटा बेलना, ये देखने इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और चिकन लेके इसकी जो स्टफिंग बनाई है हमने वो दरमियान में रखनी है, और इसकी ये ऐसे साइडें पकड़ के आपने इसको दोनों साइडों को पकड़ के जोड़ना है। फिर हम इसकी दूसरी साइडें लेंगे, वो भी इसी तरह पकड़ के जोड़ देंगे। फिर ये चौथी साइड, ये इस तरह ये हमने इसको कर लिया। अब ये बाकी की जो चार कोने हैं उनको भी हमने ऐसे पकड़ के ऐसे जोड़ना है, और फिर आपने इसको इस तरह थोड़ा सा घुमा लेना है, ऊपर से आपने इसको हल्का सा ऐसे दबा लेना है। देखें, परफेक्ट तैयार है हमारी ये वाली कचौरी। इसी तरह हम बारी बारी सारी बेल लेंगे और इनकी स्टफिंग भी कर लेंगे। इसी तरह मैं सारी कचौरियां बना लूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसके अंदर मैं ये कचौरियां डालूंगी। आंच को आपने मीडियम से लो रखना है, इसको बहुत ज्यादा तेज नहीं होने देना आपने। देखिए कचौरियों का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन कलर ऊपर आ गया। अब हम इनको उल्टाएंगे। पहले जब हमने कचौरियां डाली थी तो आंच को हमने मीडियम से लो किया था, अभी हम जब इनकी साइड चेंज कर लेंगे तो आंच को हमने मीडियम कर देना। कचौरियां हमारी रेडी हो गई हैं, अब हम इनको उल्टा के देखेंगे। देख लें कितना खूबसूरत कलर आ गया इनका। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें और शेयर भी करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।